नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश भावी। पेश है आज की प्रमुख खबर। वसीम रिजवी के विवादित बयान का ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा असर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वसीम के खिलाफ खोला मोर्चा। वसीम रिजवी के विवादित बयान पर की कार्यवाही की मांग। जल्द वसीम की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीण उतरेंगे सड़कों पर। पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी के फिरोज खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसील मलिहाबाद में ज्ञापन देकर की वसीम रिजवी की गिरफ्तारी व कठोर कार्यवाही की मांग। असल मुद्दा यह है कि ये पता लगना चाहिए कि इनको फंडिंग कौन दे रहा है, इनकी प्रॉपर्टी इतनी बनी कहाँ से, इसकी जांच होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि इस बात की जाँच हो कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके बैक पे कौन है। जब ये एक आम से आदमी थे तो अब इनके पास इतना सारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बनी कैसे, और इनको किसकी ऐसी मतलब बैक है इनके पीछे के जो ये इतनी बुरी तरीके से एक समुदाय के खिलाफ अगेन एंड अगेन बयान देते रहते हैं और इस तरीके से देश का, हमारे देश का माहौल ख़राब होगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जो वसीम रिजवी आए दिन एक धर्म, मुस्लिम धर्म के खिलाफ आए दिन ये जो गलत सलत बातें करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग आज गए थे यहाँ पे। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो बड़े न्याय पे तुरंत न्याय करते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं, क्योंकि उनको देर नहीं लगती। तो इसमें क्यों वो खामोश हैं? आज वो 20 दिन हो गए हैं उसको बयान दिए, वो रोज़ बयान दे रहा है, रोज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ रहा है, उस पर वो खामोश है। एक अपराधी आदमी जिस पे CBI की जांच चल रही है, वो यहाँ से भाग के बॉम्बे चला गया और यहाँ के प्रदेश और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इस पर मुख्यमंत्री जी खामोश हैं।